नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि जो टिकटॉक के जो हमारे सरताज रह चुके हैं फैजू जी, उनके टिकटॉक अकाउंट को बैन कर दिया गया है और उनके टिकटॉक के जो वीडियोज हैं उनको डिलीट कर दिया गया है और उनके ऊपर आईपीसी धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा उनके साथ क्या हुआ है और क्यों हुआ है और ऐसा उन्होंने क्या कर दिया जिसके कारण उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और टिकटॉक का अकाउंट उनका क्यों डिलीट किया गया, ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, टिकटॉक एक ऐसी ऐप बन चुकी है इंडिया के अंदर जिसको छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े इंसान तक हर कोई जानता है और पहचानता है और वो सभी टिकटॉक को देखना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसके ऊपर सभी लोग अपने वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं और वो उसके ऊपर बहुत पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं। और इसी प्रकार से हमारे जो टिकटॉक के हमारे जो सरताज हैं, एक हमारे जो फैजू जी हैं जिनके पास 25 मिलियन फॉलोवर्स थे। जी हाँ दोस्तों, 25 मिलियन यार, 25 मिलियन कम नहीं होता है। और उन्होंने उस फॉलोवर्स के होते हुए भी एक छोटी सी गलती करी है, छोटी सी तो नहीं बोलेंगे हम उसको, यानी कि बड़ी गलती ही बोलेंगे कि उन्होंने एक ऐसा वीडियोस अपलोड किया जो कि हिंसा को भड़काने वाला था। जी हाँ दोस्तों, तमरेज अंसारी को लेकर उन्होंने, जो कि हमारे अभी झारखंड में एक हादसा हुआ था तमरेज अंसारी का, उसको लेकर उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिस वीडियोस के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे हिंसा को बढ़ावा मिले। उस वीडियो को अपलोड होने के कुछ समय बाद टिकटॉक ने बहुत ही बड़ी कार्रवाई की और बहुत जल्द एक्शन लिया, लेकिन दोस्तों उस वीडियोस को डिलीट कर दिया गया था टिकटॉक के द्वारा। लेकिन जब तक वो वीडियो डिलीट किया गया तब तक वो एक लार्ज स्केल में फॉरवर्ड हो चुका था और लार्ज स्केल में वायरल हो चुका था और वो वीडियो इतना वायरल हो चुका था कि उसके ऊपर लोगों की हिंसा भड़क उठी थी और लोगों ने जो फेजू के खिलाफ और उसके साथ जो 5 लोग उसके जो दोस्त शामिल थे उसके अंदर, उन सभी के तहत आईपीसी धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज दायर कर दिया और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और उसकी अब कोर्ट के अंदर जो भी पेशी है वो पेशी की जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसके ऊपर हम कुछ भी मान लीजिए अपलोड कर सकते हैं और हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी टैलेंट है तो वो हम हमारी दुनिया के सामने रख सकते हैं। तो देखिए, कुछ ही लोग इस प्रकार का फायदा भी मिल रहा है और कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं कि जो फेसबुक के अकाउंट फॉलोवर थे वो खुद ही 25 मिलियन से, जो कि एक काफी लार्ज मात्रा है, और उसके बाद में भी उसको इतना फॉरवर्ड किया गया कि वो पूरा का पूरा ये मान लीजिए कुछ ही घंटों के अंदर वो वायरल हो चुका था और वो इससे लोगों के अंदर हिंसा भड़क उठी थी और फैजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका था और उसके साथ जो भी दोस्त उसके थे, 5 दोस्त जिन्होंने उसका सहयोग किया था, जो कि वीडियोस के अंदर थे या क्या थे, उनके खिलाफ भी वो मुकदमा दर्ज किया गया। तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है हमें सोशल मीडिया के ऊपर जिसके अंदर हम ये मान लीजिए हमारे जो भी फॉलोवर्स हैं, एक फॉलोवर्स हमारे लार्ज मात्रा में हमारे पास अवेलेबल रहते हैं तो हमारी भी कुछ ना कुछ ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो भी शब्द बोल रहे हैं, जो भी हम उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा नहीं दी जानी चाहिए जो कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या किसी प्रकार का कोई हिंसा भड़काने वाली बात हमें नहीं बोलनी है, क्योंकि जो ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। और अगर इस प्रकार के कोई भी वीडियोस अगर हम डालते हैं तो देखिए, टिकटॉक के बारे में तो ज्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब की जो गाइडलाइंस है, अगर यूट्यूब की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो अगर सब भड़काने वाले कोई भी वीडियोज अगर हम डालते हैं तो यूट्यूब उनको तुरंत ही नोटिस कर लेता है और वो तुरंत ही उस वीडियोज को ब्रेक डाउन कर देता है और उस वीडियोज के ऊपर तुरंत ही हमारे एक्शन लेकर उसको रिमूव कर देता है। लेकिन टिकटॉक का एल्गोरिथम क्या है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन टिकटॉक ने भी बिल्कुल ये मान लीजिए फ्यू आवर्स के अंदर उस चीज को भांप लिया और भांपते उन्होंने वीडियोस को तुरंत डिलीट कर दिया। डिलीट करने से पहले लेकिन वो वीडियो इतना वायरल हो चुका था कि लोगों के अंदर हिंसा
भड़क चुकी थी। तो देखिए ऐसा कोई भी वाक्य हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर जब हमारे पास एक लार्ज मात्रा में हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हमारे को देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, जो हमारी बात को ये मान लीजिए एक प्रकार से सच मानते हैं, तो हमें इस प्रकार की कोई भी ऐसी आपत्तिजनक शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए जो कि किसी को ठेस पहुंचाए, जिसकी भावनाओं को हमारे को ठेस पहुंचे या फिर वो हिंसा का एक कारण बने। तो देखिए दोस्तों बहुत ही ये मान लीजिए सोच समझकर हमें हर प्रकार के हर वाक्य को बोलना चाहिए ताकि किसी प्रकार के किसी को कोई वाक्य चुभे नहीं और बिल्कुल हमारा काम भी बनता चला जाए। तो ये छोटा सा लेक्स निकल के आ रहा था, काफी ये मान लीजिए फॉलोवर्स होने के बावजूद भी उनके टिकटॉक अकाउंट को खत्म कर दिया गया है और उनके जो भी वीडियोस हैं वो सारे के सारे डिलीट कर दिए गए हैं। तो इससे एक चीज तो जाहिर होती है कि इंसान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, नियम सबके लिए बराबर है। यानी कि गलती अगर आप छोटा होकर भी, अगर आप एक छोटे टिकटॉक यूजर हो, अगर आप भी गलती करते हो तो आपके लिए भी वही पनिशमेंट है। और एक 25 मिलियंस के जो फॉलोअर्स है जिसके पास, वो टिकटॉक का ये मान लीजिए एक प्रकार से बादशाह माने जाने वाला है, अगर वो भी गलती करता है तो नियम उसके लिए भी वो बराबर है। तो भैया ऐसा है कि जो भी चीज अगर आप बोलते हो तो वो सोच समझ कर बोलो और जो भी आपको करना है वो ध्यान से करो। तो अब देखिए ये तो देखा जाएगा कि क्या अब फेसबुक के साथ हो, क्या जो भी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी यही लीक्स निकल के आया था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ में बेल अलर्ट को भी एक्टिवेट करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप बेल अलर्ट एक्टिवेट करोगे तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका इंटीमेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे।